ये बेटा 32 क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है जो आपके द्वारा पूछा गया, तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ, आपको मैं ये सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है CH3CH2CHCl3OH कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3CH2CHCl3OH इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। के डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया बेटा, Kf दिया है। चलिए भैया देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमें डिप्रेशन पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी भैया कुल मिलाकर पूछ रहे हैं ये डेल्टा Tf। तो डेल्टा Tf तक चलिए पूछा जाए। सबसे पहले मोल की जरूरत होगी, मोलैलिटी की जरूरत होगी डेल्टा Tf तक लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि डेल्टा Tf डिपेंड करता है कहीं ना कहीं मोलैलिटी पे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं मोलर मास ऑफ CH3CH2CHClCOOH। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 3 है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 है, कार्बन का फिर से 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, 35.5 है, अगेन 12 है, फिर 16 है, फिर 16 है, फिर 1, ये टोटल सम करने वाला 122.5 ग्राम पर मोल कितना है। तो यहां से मोल हम निकाल ही लेते हैं कितना है, मास है 10 और मोलर मास है 122.5, ये ग्राम है, ये भी ग्राम पर मोल है, यानी मोल आ जाएगा ग्राम ग्राम पर से। तो कितना मोल आया, -2 लगभग इतना मोल आ जाएगा बेटा। चलिए इतना मोल आ गया, अब क्या करना है, अब मोल मिल गया बेटा, मोलैरिटी निकाल लोगे। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी का कैसे बेटा, यहाँ वॉल्यूम नहीं लेंगे। तो मोल कितना था हमारा, 8.16 टेन पावर माइनस 2 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ पर 250 ग्राम है, ग्राम में है, तो केजी में यानी कि 1000 का यहाँ पे 4 times हुआ और ये पूरा ओवरऑल 3264 कितना मोल पर केजी। चलिए ये तो मिल गया हमें, अब इसमें क्या क्या चीज है, ये मोलैरिटी डिपेंड करता है और जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो भी हमारा आ गया है, पर यहाँ पे के है यानी कि इसका डिसोसिएशन होता है बेटा, ठीक है, इसका डिसोसिएशन भी होता है। चलिए इसका डिसोसिएशन से रिलेटेड चीज देखते हैं हम लोग। डिसोसिएशन होता है बेटा, जैसे CH3 है, CH2 है, CHCl है और COOH है, ये कैसे डिसोसिएट होगा, CH3 है, CH2 है, CHCl है, COO- है और H+, C0 0, C- C alpha, ये मतलब कब की बात है बेटा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। अभी रिएक्शन यहाँ पे आपने क्लास 11th में जैसा पढ़ा है,
अपने योग्य टीचर से। तो इनिशियल कंसल्टेशन है ये, कंसल्टेशन आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। तो ये हुआ बेटा, अब के लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। एच प्लस है, सी एस थ्री है, सी एस टू है, सी एस सी एल है, सी ओ ओ एच है, ये चीज है भैया। अब इनकी वैल्यू पुट करिएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, और यहाँ सी माइनस सी अल्फा, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी को कॉमन ले लीजिए, वन माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ठीक है। और अल्फा बहुत छोटा है अगर बेटा वन से, तो वन माइनस अल्फा नियर अबाउट वन ले लेते हैं, आपने पढ़ा है पीछे क्लासेज में, ठीक है। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, इससे पहले भी सब में बहुत पढ़ाई होती थी, और पढ़ाई तो हमेशा होती रही है, प्रॉब्लम ये है कि लोग आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। कोई स्कूल बेटा उसमें बच्चों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ग्रुप पे आप कमेंट कर सकते हो किसी सिख टीचर है कौन है क्या है, अपने आप को कितनी हीन भावना आपके अंदर भरी है मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है फिलहाल मैं ट्यूशन पे बात कर रहा हूँ, लेकिन अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए और मेहनत करिए, बस इतना कहूँगा मैं। के बराबर है सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर के बाई सी, 1.4 इंटू 10^-3, 0.3264। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.065। चलिए ये भी आ गया। अब चूंकि डिसोसिएशन होता बेटा, इसका वांट ऑफ फैक्टर भी देखना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर देखने के लिए हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी, तो फिर से लिख लेता हूँ इक्वेशन को। CH2 है बेटा, CH है, CL, CO, OH, CH3 है, CH2 है, CH, CL है, CO, O- है, और H+ प्लस वन है, जीरो है बेटा, यहाँ पे जीरो, वन माइनस अल्फा है, ये भी बेटा अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो टोटल मोल कितने हो गए भैया, ये हो गए बेटा वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। बेटा जिस जब भी किसी चीज का डिसोसिएशन है एसोसिएशन होता है, तो वहां वांट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व होता बेटा, ठीक है। एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी होती है वहां पर वांट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो ये हो गया बेटा वन प्लस अल्फा टोटल मोल। तो आई बराबर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितना है टोटल मोल, वन प्लस अल्फा है। बिफोर शुरुआत में इनिशियल मोल कितना था बेटा, वन था, तो वन आ गया बेटा, यानी कि वन माइ वन प्लस अल्फा। अब अल्फा कितना था, ऊपर आपने निकाला है वन प्लस 0.065। बस सारी छोटी छोटी बातें है बेटा, कुछ कहीं विचित्र कहीं से नया थोड़ी आ रहा है, सारा कुछ आपके टेक्स्ट से है। हाँ इस बार जो है सिलेबस में ये चीज हटा दिया गया है वांट ऑफ फैक्टर, तो हम तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि आपकी सहमति थोड़ी चाहिए होती जो सिलेबस में चाहिए नहीं है। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई के एफ एम। तो देखिए इसमें क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर आई, आई कितना आया अभी आपका 1.065, के एफ बेटा क्वेश्चन में मेंशन था, ये के एफ 1.86, और यम
यम कितना है बेटा, अभी आपने कैलकुलेट किया है, 2632 64, तो आ जाता बेटा 0.65। ठीक है, इतना केल्विन आ जा रहा है। तो डेल्टा टी एफ का बेटा इस तरह से आंसर ये वाला क्वेश्चन आपने 32 पूछा था आ गया बेटा।